आज हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम पुत्रदा कहते हैं। इस बार की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी में जिनकी कोई संतान नहीं है या किसी कारणवश जिनका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उनके लिए ये एकादशी है ही, और वैष्णव भक्त जनों के लिए भी पुण्यदायी एकादशी है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर, पूर्व काल में जब द्वापर युग का प्रारंभ हो रहा था, तब माहिष्मतीपुर में एक महिजीत नाम के राजा राज्य करते थे। प्रजा को पुत्रों की भांति पालते थे, पर किंतु उनके कोई संतान नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने ही राज्य के पुरोहित जन और ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि मैंने कभी भी ऐसा कोई पाप कृत्य नहीं किया जिसके कारण मेरा वंश रुक गया है, मेरे कोई संतान नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे विवेकहीन व्यक्ति का धन नहीं हड़पा, मैंने प्रजा का धन नहीं हड़पा, चाहे मेरे पुत्र तुल्य ही मेरे अपने प्रिय समग्र संबंधी क्यों न रहे हों, उन्होंने अगर दंड के कारण किए हैं तो मैंने हमेशा उनको सजा दी है। ऐसे सारे कार्य जिनको मैंने निरपेक्ष रूप से किया, कभी पाप का भागी नहीं बना, तो मुझे किस कारण से ये पाप की प्राप्ति हुई है कि मेरे वंश में कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं। तब यहाँ पर ब्राह्मण इत्यादि सब वन की ओर जाते हैं, ऐसे ऋषियों को खोजने का प्रयास करते हैं। तभी एक दिन उनकी दृष्टि लोमस ऋषि को के आश्रम पर पड़ती है, जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। लोमस ऋषि वो हैं जो सबसे अत्यधिक जीने वाले, ब्रह्मा जी के बाद यदि कोई श्रेष्ठ ऋषि है तो वो लोमस हैं, जिनके पूरे शरीर पर रोम ही रोम यानी बाल ही बाल थे। उनका एक बाल एक कल्प में गिरता है, और इतनी लंबी आयु वाले लोमस ऋषि वहां विराजमान थे। सभी जितने भी पुरोहित ब्राह्मण उनके चरणों में पड़े और उनसे कहा, हम महीमती राजा के प्रजा हैं, ऋषिवर आपके समीप आए हैं, हमारे राजा में संतान है, उन्होंने हमेशा हम प्रजा को संतान की भांति पाला है, उनका दुख हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम यह तपस्या के लिए और उन्हीं के पुण्य के प्रताप से, राजा के ऐसे पुण्य हैं कि आप जैसे दिव्य श्रेष्ठ जो ब्रह्मा जी के बाद कहे जाने वाले ऐसे ऋषि हमें मिले, आप ही कोई ऐसा बताएं, उपाय बताएं, पुण्य बताएं, जिसके कारण जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि ने कहा, थोड़ी देर ध्यान मग्न रहे, उन्होंने कहा, राजा का ये जो पाप है ये पूर्व जन्म का है। राजा एक वैश्य थे, व्यापार करते थे, लोगों का धन हड़प लेते थे। एक दिन वो एक नगर से व्यापार करते हुए जा रहे थे, तो नगर के बाहर एक बावड़ी थी। दसवीं की तिथि थी, दिन हो रहा था और मध्याह्न समय उनको प्यास लगी, तो बावड़ी में स्वच्छ जल देकर वो गए वहां पर। तभी एक प्यास से व्याकुल गाय अपने बछड़े के साथ आई हुई थी, उस बावड़ी में से पानी पी ही रही थी कि व्यापारी ने, इस बनिए ने उसे हड़का करके मारते हुए भगा दिया। बस इसी पाप से उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, लेकिन किसी अन्य जन्म के पुण्य कृत ऐसे इकट्ठे हुए कि उन्हें अकंटक राज्य तो मिला, किंतु संतान नहीं मिली उस पाप के कारण। ब्राह्मणों ने कहा कि कोई ऐसा, हमने तो पुराणों में सुना है कि अगर किसी पाप का प्रायश्चित किया जाए, ऐसे पुण्य अर्जित हो जाए, तो पाप नष्ट हो जाता है। लोमस ऋषि कहते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है, यदि आप सब लोग अपने राजा के प्रति ये व्रत रखेंगे तो उनको संतान अवश्य प्राप्त होगी। सभी ब्राह्मण गए और शुक्ल पक्ष की ये श्रावण मास की एकादशी को रखा, जिसे हम पुत्रदा कहते हैं। और इस पुत्रदा एकादशी के कारण राजा के यहाँ एक संतान की उत्पत्ति हुई, संतान उन्हें प्राप्ति हुई, जो अत्यधिक बलवान थी, श्रेष्ठ थी, धर्मज्ञ थी। और इस प्रकार ये अत्यधिक पुण्यदायी व्रत है, हमें रखना चाहिए। जिनकी संतान नहीं वो संतान के लिए रखें, और जिनकी संतान है वो उनकी प्रसन्नता के लिए रखें। और साथ ही श्री हरि हमें किस प्रकार प्राप्त हो, हम उनसे किस प्रकार प्रेम कर सकें, इसके लिए भी रखें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त की है, अगले दिन 17 तारीख को द्वादशी के अंतर्गत ही हम पारण करेंगे, तो 5 से 5:30 के बीच में ही आप पारण करिएगा, क्योंकि इस बार त्रयोदशी 6 है, तो त्रयोदशी से पूर्व ही आपको पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। व्रत का समय रहेगा 5 से 5:30 के बीच में। एकादशी वाले दिन जागरण की बहुत महिमा है, और मैं कहूंगी एक एक पुराण में जागरण की एकादशी के दिन अत्यधिक महिमा महत्व है। एकादशी वाले दिन यदि आप चाहते हैं कि उसे अत्यधिक और महत्वपूर्ण बना दें, तो हर क्षण भगवान नाम का कीर्तन उसे और अत्यधिक प्रभावशाली बना देता है। आप पुराणों का श्रवण करें, अध्ययन करें, और ना हो तो भगवान नाम हर क्षण लें। हर क्षण से एकादशी एक ऐसा अनुपम अनुष्ठान है कि उस समय उसका प्रभाव और अत्यधिक बढ़ता जाता है, और अत्यधिक प्रभावशाली होती चली जाती है एकादशी, यदि एकादशी वाले दिन आप जागरण या भगवान नाम लेते हैं। तो आप सभी से ये करवद विनम्र प्रार्थना भी है कि आप एकादशी वाले दिन
भगवान नाम अवश्य लें। श्री राधे।